हजार 7,500 रुपया रोज दिन आपको लोग को बचेगा। और जो आपको 30 रुपये में सेल करना है कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ से 2 रुपये में दे रहे हैं। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस लेकर के आए हैं आप लोग के लिए जो कि आप लोग मात्र 1,000 रुपया लगा करके भी जो है महीने का 40 से 50 हजार रुपया हर महीने आप लोग कमा सकते हैं। अगर दिन भर में अगर आप जो है 200 पीस अगर सेल कर लिए, 200 पीस अगर कम से कम सेल अगर कर ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 30 रुपये का प्रोडक्ट है और आप लोग को जो पड़ रहा है हमारे यहाँ सिर्फ 2 रुपये में पड़ रहा है। अब इससे आप लोग हिसाब लगा लीजिए कि अगर आप लोग होलसेलिंग भी अगर कर रहे हैं सभी दुकानों में अगर आप लोग दे रहे हैं तो 30 रुपये का प्रोडक्ट है, आप आराम से जो है किसी को भी 10 रुपये भी अगर दे दीजिएगा वो तो देख रहा है ना कि 30 रुपये का प्रोडक्ट है, वो 10 में आपसे ले रहा है और वो उसको जो है 30 में बेचना है तो 10 में आपसे क्यों नहीं लेगा, तो 20 पीस 50 पीस 100 पीस एक एक दुकानदार जो है ले लेता है, 1,500 भी ये सेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोग को जो है ना मेहनत इसमें ज़्यादा करना होगा, बहुत से दुकानों में आप लोग को जाना होगा, बहुत दूर दूर जाना होगा, इसमें मेहनत लगेगा, लेकिन चाहे तो 1,000 भी आप लोग सेल कर सकते हैं। अब इससे आप लोग अगर आइडिया लगा लीजिए कि 1,000 पीस अगर एक एक दिन में अगर आप लोग सेल कर रहे हैं तो आप लोगों को पर पीस पे जो है ना 8 रुपया बचेगा। 30 रुपये का चीज है, आप लोग को 2 रुपये पड़ रहा है, 2 रुपया पड़ रहा है तो आप 10 रुपये सेल कर रहे हैं, होल सेलिंग कर रहे हैं 10 रुपये में, तो आप लोगों को पर पीस में 8 रुपया बच रहा है। तो इस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि 8 रुपया बच रहा है तो 1,000 पीस अगर आप रोज दिन सेल कर रहे हैं तो 8,000 रुपया दोस्तों हो रहा है, 8,000 रुपया हो रहा है। अगर इस पे हम खर्चा बैठा देते हैं तो 500 रुपया खर्चा मान लेते हैं इस पे। ठीक है, आप लोग इधर उधर जो जाएंगे तेल वगैरह लगेगा गाड़ी का, कुछ खाएंगे पिएंगे तो ये सब का दिन भर का 500 रुपया खर्च आप लोगों का होगा, तो आप लोगों को रोज दिन 8,000 7,500 रुपया रोज दिन आपको लोग को बचेगा। और जो सेल कर ले रहे हैं अपने मेहनत से तो पहले से स्टेशनरी लाइन में है उनको तो दिक्कत ही नहीं है, जहां वो कॉपी देते हैं वहां जो है प्रोडक्ट जो है सेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्रोडक्ट क्या है आप लोगों को ये भी हम बता देते हैं, ये तो आप लोग कहिएगा कि जो है सब कुछ तो बता रहा है लेकिन प्रोडक्ट तो दिखाई नहीं रहा है, क्या प्रोडक्ट है? तो देखिए दोस्तों ये है करेक्शन पेन। ठीक है, ये करेक्शन पेन है और इसका MRP देख लीजिए, ये 30 रुपया है, 30 रुपया इसका MRP है और इसको जो है सेल कर देना है 10 रुपये में, जैसे कि अभी आप लोग को हम बताए हैं। ठीक है, दुकानदार इसको सेल करेगा 30 रुपया में, इस पर 30 रुपया MRP है देखिए। ठीक है, और इस तरह से जो है ना एक सैंपल के तौर पे इस तरह से पॉकेट में रख लेना। ठीक है, जहां जाइएगा वहां जो है कहिएगा कि देखिए ये करेक्शन पेन है, हम आप लोग को 10 रुपये में दे रहे हैं, आपको 30 रुपये में सेल करना है। करेक्शन पेन तो आप लोग जानते ही है कि क्या है, और आप अगर उतना हिसाब अच्छे से नहीं जानते तो दुकानदार जानता है कि ये करेक्शन पेन का क्या क्या जरूरत पड़ता है, ये कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ता है ये। ठीक है ना, तो इसको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सस्ता में दे रहे हैं, इसका ये मतलब कि नहीं कि जो है इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका दोस्तों बहुत वैल्यू है। ये नहीं मिलता है ना तो बहुत सा पेपर जो है पास नहीं होता है, अब कोई चीज जो कोई लिख रहा है तो उसमें गलती हो गया तो फिर उस टाइम में जो है ना वो फार्म चेंज नहीं करता है, इसी को जो यूज करता है, और ये अगर जगह पे टाइम पे नहीं मिला अगर तो फिर उसका फार्म जो है खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका जरूरत बहुत है, इसका जरूरत बहुत है, तो इसका सेलिंग भी बहुत है। ठीक है, तो आराम से जो है आप लोग इसको जो है उठाइए मंगाइए और सेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ से 2 रुपये में दे रहे हैं।